को आगे उसकी इंक्वायरी ना बढ़े, उसको रोकने के लिए डीएमके और कांग्रेस के भीतर मतभेद चल रहे। कोशिश यह है कि दोषी ना पकड़े जाएं और सीबीआई पर रोक लग जाए। सीटों का बांटना या सीटों का बंटना एक बहाना है। टू जी स्पेक्ट्रम पर जेपीसी बनने के बावजूद कॉमनवेल्थ घोटाला, आईपीएल, नालको, प्रसार भारती, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मरेगा, फूड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, पीडीएस में ट्रांसपोर्टेशन का घोटाला और एस बैंड का घोटाला, इन सारी चीजों को उजागर दोनों सदनों में किस माध्यम से किया जा सके, चाहे वो अल्पकालिक चर्चा हो, चाहे कॉलिंग अटेंशन हो, चाहे जीरो आवर के नोटिस के माध्यम से हो, उठाया जाएगा। काले धन के बारे में भी बात हुई कि जो ढिंढोरा पीटा गया और इस बार के बजट में जो प्रावधान रखा गया कि स्विस गवर्नमेंट के साथ में जो एग्रीमेंट होने जा रहा है वो एग्रीमेंट इफेक्टिव होगा अप्रैल 2011 से, अर्थात काले धन के मालिकों को पहले से सूचित कर दिया जा रहा है कि अपना धन जहां जहां छुपा के रखा है वहां से हटा लीजिए, हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। अप्रैल तक वो अपना सारा धन हटा लेंगे। उसके बाद आज पार्टी के मीटिंग में दो प्रेजेंटेशन हुए, एक तरुण विजय जी ने जंसकार कारगिल के पास का इलाका जो राष्ट्र की हर सुविधा हर विकास से वंचित है और भारत का हिस्सा है, उस जंसकार इलाके के लोगों को किस तरह से न्याय दिलाने की बात है और उसकी पूरी रिपोर्ट एक पेश की गई प्रेजेंटेशन के रूप में। सुमित्रा महाजन जी स्टेटस ऑफ वुमेन पर अभी यूनेस्को गई थी एज ए ऑल्टरनेट लीडर ऑफ द डेलीगेशन और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। स्टेटस ऑफ वुमेन यूनेस्को की अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है जहां वो गई थी सुमित्रा महाजन और उन्होंने आकर अपनी रिपोर्ट बताई कि वहां पर एजुकेशन पर महिलाओं की कंडीशन ऑन एजुकेशन, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोलर और खास करके बेयर फुट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उसके बारे में डिटेल वहां चर्चा हुई, वो सारी चीजें उन्होंने बताई। और मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि कल ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं और जो यूपीए का कुशासन है जिसके बारे में आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में सवाल उठे, इसके बारे में कल एक मीटिंग भी हो रही है जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, सारी राज्य इकाइयों के अध्यक्ष, सारे राज्य की इकाइयों के संगठन मंत्री और प्रभारी उपस्थित रहेंगे और वहां सत्र समाप्त होने के बाद, बजट सत्र समाप्त होने के बाद जो एक पुराना प्रोग्राम हमारा है संसद से सड़क तक, उसके लिए प्रोग्राम बनाने के लिए यूपीए का कुशासन, ब्लैक मनी, करप्शन, ब्लैक मनी और महंगाई पर, तीन विषयों पर
हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सारे हमारे शीर्ष नेता जिला लेवल तक जाकर धरने के रूप में, रैलीज के रूप में और बड़ी बड़ी सभाओं के रूप में कैसे आंदोलन करेंगे उसके और जनता को जागरूक करेंगे इस सरकार की दुर्नीतियों के खिलाफ, उसके बारे में कल एक फैसला होगा, निर्णय होगा। कल सुबह पत्रकार बंधुओं के लिए सूचना है कि 11 बजे कल उसकी फोटो अपॉर्चुनिटी होगी और उसका आपको आगे से ये एनएक्सी में मेन कमेटी रूम में और कल 5 बजे अशोका रोड पर 11 अशोका रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसको अनंत कुमार जी संबोधित करेंगे। मेरे विद्वान साथी शाहनवाज हुसैन जी हैं, वो लोकसभा की कार्रवाई के बारे में आपको अवगत कराएंगे। किसके बारे में? हसन अली ब्लैक मनी किंग। ये तो सर्वविदित है कि जब हसन अली का घर पूना में रेड हुआ था और जब ये मसला आया था तब लोगों ने जाना था और सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए थी। अभी सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल उनको अपने दफ्तर बुलाया था। ऐसा नहीं कि वो ट्रेसेबल नहीं थे, उनको बुलाया और बुलाकर उनको डिटेन किया गया और उसके बाद मुंबई लाया गया, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के जस्ट एक दिन पहले या दो दिन पहले ऐसी घटना घटना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। हसन अली के पास में इतना पैसा आया कहां से? क्या वो पैसा उसका है या और किसी का है? इसकी तह में जाने की जरूरत है। हसन अली गिरफ्तार हैं और उनका गिरफ्तार होना लाजमी था, पर यह जानना भी लाजमी है कि वो पैसा आखिरकार किसका है। I can understand when the seat sharing issue started from 48 seats to 63 seats. And this is not a mere seat sharing problem. Problem is something more. Because after the arrest of the officials of or the owner of Swam Telecom and their confessional statement, it is understood that now the needle of suspense is going towards a particular TV where the money went. What is the name of the TV? You know that. I don't want to make that submission. You know that the name of the TV where the money went and who are the owner of that TV channel. So there is serious apprehension of those leaders that they may be questioned first and they may be arrested later. So that is one of the reason of this conflict between DMK and Congress. मैंने इसीलिए कहा कि मैं उस फिगर पे नहीं जाता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो टैक्स इवेजन का उसको नोटिस दिया है, जितना टैक्स बनाया है उसके हिसाब से वो फिगर आता है। तो आखिरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये फिगर कहीं ना कहीं दिखा होगा, किसी के कन्फेशनल स्टेटमेंट से, किसी बैंक के अकाउंट के माध्यम से या किसी के डोजियर को देखकर। आखिरकार उन्होंने ये डिमांड नोट बनाया क्यों? डिमांड नोट बनाने के पीछे कारण है
और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक आदमी की वो अपने अकेले की घोड़े का स्टड फॉर्म चलाकर इतनी कमाई है या किसी और की कमाई के काले धन को सफेद करने का रास्ता बनाया हुआ था। धन्यवाद। सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी गई और उसके साथ साथ याद किया गया कि महिला दिवस पालन करने के पीछे जो मंशा रहती है कि महिलाओं को समाज में उचित स्थान और मान्यता देने की। भारतीय जनता पार्टी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने बड़ौदा के अधिवेशन में जब किसी ने भी इस बात की चर्चा नहीं की थी कि महिलाओं पर के आरक्षण होना चाहिए, उस आरक्षण के लिए बात कही। और उस आरक्षण की चर्चा करते हुए आज पुनः उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्यसभा में मार्शल लाकर इस विधेयक को पास किया गया था, लोकसभा में प्रतिवाद करते हुए सुषमा जी ने कहा कि हम मार्शल लाकर प्रतिवाद नहीं करना चाहते, हम आम सहमति से इसको पास करना चाहते हैं। उस पर सुझाव देते हुए आडवाणी जी ने कहा कि बेहतर होता कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा प्रावधान रखती कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को 33% महिलाओं को टिकट देना अनिवार्य हो जाता तो शायद ये मामला सुलझ जाएगा। इस बात के बाद भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों पर चर्चा हुई और एक सर्वसम्मति मत बन रहा है कि जेपीसी तो बन गई 2G स्कैम में, पर आज जो 2G स्कैम को लेकर ही जो अंतर्द्वंद चल रहा है डीएमके और कांग्रेस के बीच में, उसमें सीटों का बंटवारा कम, 2G स्कैम की इंक्वायरी ज्यादा है और 2G स्पेक्ट्रम के स्कैम की इंक्वायरी ज्यादा, वहां पर बसरते दोषियों पर कुछ अंकुश लगे, सीबीआई पर अंकुश लगाने की मांग रखी जा रही है। उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ का घोटाला, आईपीएल घोटाला, नालको का घोटाला, प्रसार भारती घोटाला, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, फूड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का घोटाला, पीडीएस में घोटाला, एस बैंड का घोटाला, घोटाले ही घोटाले हैं। और वहां पर आज सामने जो चीजें उभर कर आ रही हैं, इस भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार का पुरजोर विरोध करने के लिए एक बात सर्वसम्मति से आज की मीटिंग में रखी गई और इसको विभिन्न विधायों के तहत राज्यसभा और लोकसभा में उठाया जाए, चर्चा में लाया जाए, सरकार को बाध्य किया जाए कि उचित कार्रवाई। काले धन की वापसी के बारे में भी बात चली और ऐसी खबर आई है कि जो काले धन की जो बजट में इन्होंने प्रावधान बताया है कि स्विट्जरलैंड के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है भारत सरकार की, वो इफेक्टिव होगी फ्रॉम अप्रैल 2011। वो अप्रैल 2011 तक तो सारे के सारे लोग अपना पैसा वहां से डाइवर्ट कर लेंगे या निकाल लेंगे। तो ये तो ऐसा है कि डुगडुगी पीट कर पहले चोर को बताया जा रहा है कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं सर्च करने के लिए, तुम अपनी सफाई कर लो। और इस चीज पर विचार करने की जरूरत है। जो जाली नोटों का एक रिपोर्ट आई है अमेरिका से और साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दी है 65 पेज की,
जिसके हिसाब से करीब 18,000 करोड़ रुपया जाली है। और हमारे यहाँ कानून कहा जाता है कि जिसके यहाँ से या जिसकी जेब से या जिसके हाथ में जाली नोट मिल जाए उसको जेल जाना पड़ता है। तो जिस तरह से नोट बट रहे हैं या नोट आ रहे हैं एटीएम के माध्यम से या बैंकों के माध्यम से या बाजार के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, कभी भी किसी सज्जन के हाथ में भी अगर नोट पड़ गया तो वो भी दोषी ठहराया जाएगा। इस पर भी कारगर कदम उठाने चाहिए और इसको सदन में इसकी चर्चा हो, इसकी मांग करने के लिए ये बात आई। हमारे दो तरुण विजय जी एमपी, उन्होंने झंसार एक पिछड़ा इलाका है लद्दाख ले में, कारगिल के पास में, जिस झंसार के बारे में वो वहाँ गए और वहाँ के लोगों से मिले और वहाँ के लोग यहाँ आए और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, उसकी प्रेजेंटेशन एक उन्होंने पेश की कि भारत का एक पिछड़ा हुआ हिस्सा किस तरह से सारे अधिकारों से सारी सुविधाओं से वंचित है फिर भी भारत का हिस्सा है। और वहाँ से विधानसभा की एक सीट भी बनाई गई पर उनको ना दिया गया कुछ। और सुमित्रा महाजन जी यूनेस्को गई थी स्टेटस ऑफ वुमेन की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, उसकी रिपोर्टिंग हुई। एक सवाल केवल है कि आज प्रधानमंत्री जब 4:30 बजे जवाब देंगे बयान रखेंगे तो पार्टी की तरफ से किस तरह के सवाल या स्पष्टीकरण मांगा जाएगा उनसे? नहीं, सवाल क्या किए जाएंगे पार्टी की तरफ से और स्पष्टीकरण किए जाएंगे वो मैं मीडिया में थोड़ी बताना चाहता हूँ। ये तो सदन की कार्रवाई मीडिया में पहले नहीं बताई जाती, सदन की कार्रवाई मीडिया कवर करती है। जब हम सवाल करेंगे तो आप उनको सुन लीजिएगा। टुडे द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय रिस्पेक्टेड अडवाणी जी, एसोसिएटेड बाय सुषमा जी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अडवाणी जी कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन द इंटरनेशनल वुमेन ईयर टुडे 8th March, एंड ही रिमाइंडेड दैट हाउ द बीजेपी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच डिसाइडेड लॉन्ग अगो इन इट्स बड़ौदा कॉन्फ्रेंस अबाउट द रिजर्वेशन एंड अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन। While discussing this, he suggested that the way Rajya Sabha passed the bill, we don't want to pass the bill in that way. We want to pass the bill with the consensus. And he was suggesting that instead of, if the government comes out with a suggestion, that instead of seat reservation, if they discuss and consider that election commission can issue a guideline or make a rule that every political party is duty bound to give 33% seats to women candidate, then at least the rotation system or the reservation of the constituency system will not affect the electoral process. And secondly, on the corruption issue, although we have we got the JPC demand and we got a JPC now, but still certain questions are there. The DMK and Congress alliance talk, it is not merely on division of how many seats of MLA they will allot to Congress or to DMK, but there is something more serious which is concerning to the inquiry of the CBI and 2G spectrum. Instead of putting pressure on the tax evaders or the corrupt politicians or corrupt people, they are trying to put pressure on CBI or the investigating agencies. So they are discussing through this conflict DMK and Congress. Apart from this, the Commonwealth Games, then NALCO Ghotala, then MREGA Ghotala, then National Highway Authority Ghotala, then IPL Ghotala, then two S-Band Ghotala, then PDS Ghotala, all these Ghotalas are also there
and it was unanimously decided that we would like to raise these issues in the floor of the House in different ways, either through discussion or calling attention or 0 hour, we'll raise in both the houses. Similarly, the recent report on black money, on fake currency by American agency and then with military intelligence, 65-page report, which says about 18,000 crore fake currencies are in circulation. It is very difficult to identify because it is coming through the ATM, it is coming through the bank, it is coming through the post offices, it is coming through the market. Even a gentleman who never indulges in such things, he will be also caught with one or two currency notes, which is fake. That is very unfortunate. We would like to raise these issues also in Parliament. About the black economy, in the recent budget, while placing the budget in the Parliament, the Finance Minister said that the understanding between the Swiss government and Government of India, the effective period will start only from April 2011. It looks like that we are announcing the policy which will be implemented later, but before that, people, those who are stacked their money in different banks in foreign country, they have transferred their money, they have withdrawn their money, they have taken away their money, we will not be able to reach to the black money. Apart from these things, a report from Tarun Vijay was placed before the committee, before the meeting, through a presentation about a Zansar village which is located near Kargil, how the local people of Zansar village are facing day-to-day problems and still at a part of India, they don't get any benefit of our schemes, our policies, our roads, our communication system. So all these things were highlighted. Then Sumitra Mahajan, who recently went to UNESCO as the alternate leader of the delegation, the UNESCO conference was on the status of women. She explained the proceeding of UNESCO before the meeting. Yesterday, ED has detained Hassan Ali. But do you think that they will be able to see the tax evasion of about 75,000 crores? Hassan Ali case is not a new case. When he was first raided, at that time it was highlighted and it's long time. Now, under the pressure, because today is the date, today is the date in the Supreme Court, today or tomorrow is the date in the Supreme Court to report back the status of the case in Hassan Ali. That is the reason yesterday they have called him for interrogation or giving a statement and they have detained him because they want to give a report, a status report in the Supreme Court. These are all eyewash. We are interested, not only the man should be arrested, but the money, about 36,000 crore rupees, where it has gone and where he has placed and where from it has come and who is the real owner of this money. हसन अली के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसका एक स्टेटस रिपोर्ट दें, जिसको मद्देनजर रखते हुए कल हसन अली को स्टेटमेंट देने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने दफ्तर में बुलाया और उसके बाद उसको डिटेन कर दिया, क्योंकि उनको जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में। ये तो सबको सर्वविदित था, जब उनके यहाँ पर रेड हुआ था कई वर्ष हो गए और जब पता लगा था इतने रुपए हैं, उसकी गिरफ्तारी कभी नहीं हुई, डिटेन कभी नहीं हुई, उनका डिटेल कुछ नहीं हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर ये काम हो रहा है और ये उसका डिटेन होना तो जरूरी है ही, किंतु साथ ही साथ ये रुपया कहाँ है और किसका है ये जानना बहुत जरूरी है। वो सामने जब आएगा तब हम समझेंगे कि इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ रूप में उसका सही आकलन करते हुए उसकी इंक्वायरी की। धन्यवाद।